क्वेश्चन ये है कि पॉइंट पी पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एक्ट कर रहा है और पॉइंट पी का एक्सेलरेशन एफ और एम के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन टी के इक्वल है और 3m ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ e1 के इक्वल है और 2m ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ e2 के इक्वल है, ठीक है। नाउ वी हैव फॉर 3m फ्री बॉडी डायग्राम विल बी लाइक दिस। इस पॉइंट पर टेंशन टी एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर भी टेंशन टी एक्ट कर रहा है और यहां भी टेंशन टी एक्ट कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक का मास 3m है और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ e1 के इक्वल है, सो दिस इंप्लाई दैट 3t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 3m a1 एंड दिस इंप्लाई दैट t इक्वल टू ma1। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। अगेन सेकेंड ब्लॉक के लिए मास 2m के इक्वल है और ये पुली है, इस पॉइंट पर टेंशन t इधर एक्ट करेगा और इस पॉइंट पर भी टेंशन t इस तरफ एक्ट कर रहा है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ e2 के इक्वल है, सो वी हैव 2t इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दिस इंप्लाई दैट t इक्वल टू ma2 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें a1 a2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे कि ये कोई पुली है और पुली के सेंटर का एक्सेलरेशन इस तरफ मान लेते हैं a के इक्वल है और इधर स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट 1 है जिसका एक्सेलरेशन इस तरफ e1 के इक्वल है, यहां पर कोई पॉइंट 2 है जिसका एक्सेलरेशन इस तरफ a2 के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर a1 a2 a तीनों सेम डायरेक्शन में है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, सो वी हैव a इज द एवरेज ऑफ a1 एंड a2, a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 बाई 2, दिस इंप्लाई दैट 2a इक्वल टू a1 प्लस a2, ठीक है। तो हम इस रिजल्ट को यहां पर दोनों पुली के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 3m के साथ जो पुली कनेक्टेड है उसको देखते हैं, तो इधर स्ट्रिंग है, इधर भी स्ट्रिंग है और ये पुली का सेंटर है, तो पुली का जो सेंटर है उसका एक्सेलरेशन 3m ब्लॉक के एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, a1 के इक्वल होगा। अगेन ये पॉइंट P है, पॉइंट P का एक्सेलरेशन इस तरफ मान लेते हैं a के इक्वल है, ठीक है। अगेन इस स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, ठीक है, इस स्ट्रिंग पर यहां पर कोई पॉइंट है Q, ठीक है, और पॉइंट Q का एक्सेलरेशन इस तरफ मान लेते हैं a डैश के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर a a डैश a 1 तीनों सेम डायरेक्शन में है, सो वी हैव 2a1 इक्वल टू a प्लस a डैश फ्रॉम दिस रिजल्ट, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 3। अगेन सेम रिलेशन सेकेंड पुली के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो ये सेकेंड पुली है, पुली के सेंटर का एक्सेलरेशन इस तरफ a2 के इक्वल होगा, ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट q है और q का एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं इस तरफ a डैश के इक्वल, ठीक है। अगेन ये नीचे वाला स्ट्रिंग है और नीचे वाला स्ट्रिंग 3m ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो इस स्ट्रिंग पर
किसी भी पॉइंट का एक्सलेशन उस तरफ a1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका एक्सलेशन इस तरफ a1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीनों एक्सलेशन को सेम डायरेक्शन में ले आते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा, ये पुली है, ये सेंटर है और ये दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस पॉइंट का एक्सलेशन इस तरफ ए डैश है, दिस इज पॉइंट क्यू। इस स्ट्रिंग पर कोई पॉइंट है, इसका एक्सलेशन इस तरफ ए वन है, लेकिन पुली के सेंटर का एक्सलेशन पीछे की तरफ ए टू है, तो आगे की तरफ हो जाएगा माइनस ए टू, ठीक है। अगेन ये तीनों एक्सलेशन सेम डायरेक्शन में है, अब हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो वी हैव टू टाइम्स माइनस ए टू इक्वल टू ए डैश प्लस ए वन, ए डैश प्लस ए वन, एंड दिस इज इक्वेशन फोर, ठीक है। तो हमें यहां पर ए वन ए टू गिवन है और ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ए डैश को यहां से रिमूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ए डैश की वैल्यू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो दिस इंप्लाई दैट माइनस टू ए टू इक्वल टू ए डैश, ए डैश इज टू ए वन माइनस ए प्लस ए वन, ठीक है। एंड दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू 2a2 प्लस 3a1, ठीक है। अब हम पॉइंट P का एक्सलेशन मतलब a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पर एक बात और कि टेंशन और F दोनों इक्वल होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट P पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये पॉइंट P है, इस तरफ फोर्स F अप्लाई हो रहा है और इस तरफ टेंशन टी अप्लाई हो रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन टी है, पॉइंट पी मासलेस है, ठीक है। सो वी हैव एफ माइनस टी इक्वल टू मास ऑफ पॉइंट पी इनटू एक्सलेशन ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट पी का मास जीरो है, तो एफ इक्वल टू टी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाई दैट टी इज इक्वल टू एफ, ठीक है। तो यहां से दिस इंप्लाई दैट ए वन की वैल्यू हो जाएगी एफ बाई एम, और यहां से दिस इंप्लाई दैट ए टू की वैल्यू हो जाएगी अगेन एफ बाई एम, ठीक है। यहां पर पुट करते हैं, तो दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू 2f by m plus 3f by m, ये हो गया 5f by m, ये आंसर हो गया, ठीक है। और यहां पर हम इस रिलेशन को वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू जीरो उससे भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम ये अप्लाई करें कि सिग्मा वेक्टर टी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ऐसे भी हम इस रिजल्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहां पर 3m ब्लॉक का एक्सलेशन इस तरफ ए वन है और इसमें जो नेट टेंशन है वो 3t है, हो जाएगा 3t ए वन, ठीक है। टेंशन और एक्सलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जाएगा प्लस 3t1। अगेन 2m ब्लॉक के लिए टेंशन इस तरफ 2 है, 2t है, और एक्सलेशन a2 है, अगेन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जाएगा प्लस 2t a2, ठीक है। अगेन पॉइंट P को देखते हैं, तो पॉइंट P का एक्सलेशन उस तरफ a के इक्वल है और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में t है, तो जाएगा माइनस टी
ए एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से टी टी कैंसिल एंड दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू 3a1 + 2a2। तो इस तरह से डायरेक्टली भी हम ए की वैल्यू a1 और a2 के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आंसर हो गया। थैंक यू।